पूजा बीच में छोड़ के जाना अपशगुन होता है। पंडित जी, अपशगुन के आगे मन्नत खड़ी करती है। अपशगुन मुंह छुपा कर भाग जाएगा। जा, तू देख तेरे छोरे का कोया। हेलो हेलो हेलो, मैक सब ठीक तो है? मैक, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मैक सर जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैक कट गया। कोच सर परेशान से लग रहे थे, क्या हो गया? ऑटो चलो भाई। ये लड़का पता नहीं बिना मिले मुझसे कहाँ चला गया। क्या देख रही है तू? चल, देर हो रही है। मम, बूढ़ा बूढ़े बच्चे सब नाच रहे। माँ प्लीज, बस थोड़ी देर, सिर्फ आधा घंटा। अच्छा ठीक है, आधे घंटे में दोनों घर आ जाना। ओके। करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? Swag से करेंगे सबका स्वागत। Swag से करेंगे सबका स्वागत। अरे क्या हो यार? क्रिश, पानी लेकर आ जल्दी। तू ठीक है ना बेटा? क्रिश, पानी लेकर आ जल्दी। यहाँ क्या कर रही है? चल चढ़ने लगा। ये फोन क्यों नहीं लग रहा भैक्का? अरे भाई थोड़ा तेज चलाओ, जल्दी चलाओ ना। चल चला। पर जल्दी कर, जल्दी कर यार। आंखों में मिर्ची डालने का बड़ा शौक है तुझे? हाँ, इसको अचानक क्यों हो गया? कुछ नहीं डैडी जी, बस वो हवन का धुआं लग गया था, सर में दर्द हो रहा है। अरे तेरा तो शरीर गर्म हो रहा है, मैंने तो बुखार है बहुत तेज। तू एक काम कर बेटा, तू ऊपर जा, ये पूजा पाठ धर्म गर्म सब हम पे छोड़ दे। तेरी दादी कर तो रही है पूजा, सब ठीक हो जाएगा। लेयर के शरीर को रेस्ट भी चाहिए। तू जा बेटा, ऊपर जा, चल उठ। आजा भाई। गिरीश, रह क्या सोचा? तू मुझसे छुपती फिरेगी? जितना खुड़ के जीनी थी तू जी ली, अब घुट घुट के मरेगी तू। तेरी आंखों के सामने तेरी छोरिया का सौदा करूंगा। मुझे बर्बाद किया था ना, अब भुगतो। क्या था वो? जल्दी से चाट। पकड़ इसको। क्यों रह छोरियो, अपने बाप को भूल तो नहीं गई तुम? बार ऐसी जगह ले जाके बेचूंगा, भागना तो दूर, अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले पाओगी तुम दोनों। छोटी, छोड़ो मुझे। नहीं,
अब तुम तीनों की बाकी की जिंदगी नरक में कटेगी। जय माता दी। मेरी माँ और मेरी बहन से दूर रही हो तू। बाप है नहीं, बाप था। बचपन में बहुत मारा क्योंकि तब मैं कुछ कर नहीं पाई। देखिए ना, आप मेरे मुक्के बोलते हैं और अब मेरा मुक्का तन्ने बताएगा औरत की ताकत। हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। हैं? किसने भेजा तुझे यहाँ पे? किसने भेजा? ये तो पुलिस के डंडे खा खा के खर्च जाएगा तू। सड़क खर्च मैं नहीं, सड़क तू होगा। दिन ये बात जुगराज सर को पता चली, अरे मरेगा तू। अच्छा, तो इसके पीछे जुगराज और उसका बेटा है। हाँ। ये जाओ। ये जाओ। बोलो मेरी चीज़। बोलो। चलो। इसीलिए शौरा तेरे पीछे मंडराता था ताकि तुझे पता न चले और इतने बड़े हमले की तैयारी कर पाए। और आज वो यहाँ पे आया भी था। जरूर तेरे पे नजर रखने आया होगा। मेरी बॉक्सिंग करियर खत्म करने का प्लान था बाप बेटे का। दोस्ती की आड़ में ये बहुत गलत किया तूने शौर्य। कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। आराम कर रहा था ऊपर, उसका थोड़ा सिर घूम रहा था। ये मुक्केबाजी करना आजकल कोई हल्की बात रह रही है? रुको, जरा ऊपर देख का हूँ उसने, उसकी तबीयत किसी समय पता कर का हूँ मैं। अरे काम कर, उसने हल्दी वाला दूध भी पिला। अच्छा, वो भी पिला दूंगी। छोरा तो बहुत गहरी नींद में सो रहा है। वो नीचे सारे ही तेरे तो मिलन आ रहे से, हैं? क्यों याद रहे? तेरा बुखार तो बहुत तेज हो रहा है। दादी थोड़ी तबीयत ना खराब सी लग रही है। दादी देखो ना, आपने इतने मन से, इतने दिल से, इतने प्यार से वो पूजा रखी, लेकिन मैं उस पूजा में बैठ भी नहीं पाया। डैडी जी ने अपने स्पेशल दोस्तों को बुलाया डिनर के लिए, लेकिन दादी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जाके उनसे मिलूं। दादी प्लीज प्लीज आके डैडी जी को समझाइए ना कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है मिलने का, बिल्कुल हिम्मत, बिल्कुल तबीयत बहुत खराब है। फिर तो बुरे सपने आने लग गए के। मैं कोई बात नहीं, तू यूं कर, तू आराम कर, मैं उन्हें सबने समझा दू। चल लेट जा, लेट जा तू, चल लेट जा बेटा, लेट जा। सपने तो आ रहे हैं लेकिन इस बार कहीं लेके जा रहे हैं।
मुझे महक से क्यों जोड़ रहे हैं? इनके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह जरूर है। हम दोनों यूं ही नहीं मिले। उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पाता हूं। हम दोनों के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मुसीबत में है? क्यों? विराज जी बधाई हो, आखिर आप दिल्ली आ ही गए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते भाभी जी। भी आप लोग चलिए, मैं आता हूं। आई ये आवाज कैसी थी? मुझे दर्द ना है, छोटी बच्चे ना मुझे बिठा के मेरी मरम पट्टी कर रहे हो। इतनी छोटी चोटों से अगर डर गई, ऐसे ना है तुम्हारी महक। कहा ना मुझे कहने कुछ नहीं हुआ। मेरी असली दवा आप दोनों ये कूड़ के है। आप ही ने दिया, आपके लिए बहाऊंगी मैं। जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी गलती है। मेरे बॉक्सिंग के चक्कर में चौरी और उसका बाप हमारे पीछे पड़ा, जिसकी वजह से पप्पू भी हमारे पीछे पड़ गए। अरे नहीं बनना मुझे बड़ा चैंपियन। इससे अच्छा तो हम गांव में ही थे। कोई ना कोई काम तो वहां मिल ही जाएगा हमें। कोई परेशान भी नहीं करेगा। कुछ नहीं होगा ना तो मैं खेती कर लूंगी, लेकिन लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं रहना यहाँ पे। हमको ना गांव वापस जाना चाहिए। यहाँ पे हम जिंदगी सुधारने आए थे। जिंदगी तो ना सुधरी और बिगड़ गई। मेरे सपनों के लिए जान जाती हमारे। मुझे नहीं चाहिए सब, नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। इतनी मेहनत की है मैंने तेरे और स्वाति के भविष्य के लिए, और अब तू पीछे हट जाएगी, मेरी मेहनत को यूं बर्बाद करेगी। मेरी बात नहीं समझ रही हो आप माँ? मैं देखता हूं। मैं एक मिनट आया था जी। साहब जी, पुलिस वालों ने धर लिया मुझे। रिपोर्ट करवा दी उन लोगों ने मेरी। आप ही कुछ करो, लिखवाओ मुझे यहाँ से। एक नंबर कना निकम्मा से तू। मेरे बच्चों पे कोई जोर नहीं से तेरा। मैं क्यों निकालू तुझे? जेल में। जेल मत मुझसे। तेरे कहने पे मैं गांव से यहाँ तक आया। धोखा दे रहा मुझे? दगाबाज, डोमड़ी साले। मछली मारने का देखो, बड़ा आया जेल से जुगाड़ लगा निकलने वाला। एक फोन कर सकता था, सो तूने कर लिया। चल अब। दीदी चला हाथ बटा, हम आज की आज रात निकल जाएंगे। इतनी जल्दी हार मान लेगी? मुझे लगा मैं कल की चैंपियन को ट्रेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं गलत था। तू डरपोक है, भगोड़ी से। ये सफर घना मुश्किल था, तने पता था, फिर भी तू लड़ी। यही तेरी खासियत से, तेरी हिम्मत, तेरा इरादा। आज जो हुआ ना वो आम बात ना थी। कोई भी डर जाता, किसी की भी हिम्मत टूट जाती।
लेकिन डर के भागना ये मैंने तुझे ना सिखाया। तो क्या करूं मैं कोच सर? जो हुआ वो गलत था लेकिन आगे नहीं होगा। अब शौर्य और उसके बाप को मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है क्योंकि अब हम जा रहे वापस। तो तू चाहती है कि वो जीते? अगर बात मेरी माँ और बहन की है ना, उनकी जान पे है ना, तो हाँ। तुझे भागता देखकर हंसेंगे शौर्य उसका बाप, कहेंगे औरत है, डरपोक है, कमजोर से है। डर और महक दोनों अलग अलग जगह रहते हैं। जुगराज और शौर्य ने प्लान बनाया था कि तेरे बाप को बुलाए और तो वो तुझे लेकर जाए वापस, तुझे पाँव की जूती बनाना चाहते हैं ताकि तू किसी की घरवाली बनकर उसकी मर्जी से जिए। यही चाहती है तू? आप जानते हो सर कि मैं क्या चाहती हूँ। चैंपियन बनना चाहती हूँ मैं। तो साबित करना क्योंकि चैंपियन बनने लायक है। उनके छल कपट का जवाब वैसे ही दे, उसको भी तो समझ आए कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया। शौर्य ऐसा करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मुझसे सच में दोस्ती करी है। उसने तो ये तक कह दिया था कि उसे बॉक्सर नहीं बावर्ची बनना है, वो उसका पैशन है कि वो एक शेफ बने। लेकिन वो सब झूठ था, वो तो मुझे पीठ पीछे धोखा देने के फिराक में था। महक, शौर्य दिमाग से काम ले, मेरे पास एक प्लान है। उसके लिए तुझे अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा। उसको लगना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल है, ठीक से? ये सामान ऐसे क्यों फैला हुआ है? आई होप सब ठीक तो है ना? और देखिए प्लीज प्लीज बताइए ना, आई होप सब ठीक है। मैं तुम ठीक तो हो ना? ये सब सामान ऐसे क्यों फैला हुआ है? फैलाना है, फैलाया गया है। पुराना सामान कबाड़ में डालने के लिए निकाल रहे थे। कबाड़ निकालने के लिए घर क्यों उलट पलट देगा कोई? छोड़े, यहाँ सब ठीक है, क्या हो गया? तू क्यों इतना परेशान है? मेरा मतलब तू यहाँ क्या हुआ? तेरे को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है? मुझे बस ऐसी फीलिंग है कि जैसे तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। मुझे फिर से एक सपना आया और ऐसा लगा कि तुम्हारे पास आ जाना चाहिए to help you। शातर कमीना से साला धोखेबाज नाटक देखो कैसे करता है। शौर्य तू ना बड़ा अच्छा इंसान है, तुझे सच में मेरी बड़ी फिक्र है, इसलिए तुझे शायद ये एहसास हुआ होगा। मेरा बाप यहां आया था उस दिन, तो तूने भी देखा था ना, जानता तो होगा तू भी बचपन से। कहाँ है वो? जल्दी बता। वहाँ उस झोपड़ी की तरफ। याद है ना तुझे? पहचानता तो होगा तू भी बचपन से। हाँ जानता हूं, उन्हें मिला था उनसे। भी चीज की जरूरत हो ना तो प्लीज मुझे बोल दो। ओके बाय बाय।
बस बहुत हुआ सर, अब उस झूठे मकार को तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। कोच सर बताइए क्या करना है।